आमिर लियाकत भाई को भी मैं काश ये बात पुराने देखी है तो उसपे मेरे बारे में कोई बात है तो दिखाओ, मेरे करेक्टर असैसिनेशन कराओ, मैंने कभी सिगरेट पिया, मैंने शराब पियो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो दिखाओ आप। तो वो मुझे, वो मेरा गरूर था, मेरा करेक्टर मेरा गरूर था। नेगेटिव पब्लिसिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिसिटी इन दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा कुछ बोल्ड वीडियोज अपनी रिकॉर्ड की जो समहाउ लीक हो गई, किसी खातून ने कर दी, मेरे साथ ही रहती थी, मेरी कोई बोल्ड वीडियोस वगैरह लीक हो गई जो मैंने अपने लिए बनाई हुई थी, पर्सनल थी। ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होता है कि खवातीन खुद भी ऐसे करती। पता था कि वीडियोस कहां से लीक हुई? बहुत से लोगों ने कहा कि इन्होंने खुद किया, शोबिस की हैं, आउट हो रही हैं, तो जरा दोबारा। तो मेरा टाइम एक ऐसा आया था कि मुझे जिंदा रहने का शौक ही नहीं था। अल्लाह से कहती थी, अल्लाह बस तू मुझे मार दे बस। अल्लाह के रमजान में रमजान ट्रस्ट है ना। मैं ये कहती नहीं हूँ कि लोग मुझे को पीरनी वीरनी ना बना दें, मेरे मुंह से निकली हुई हर बात मेरा रब पूरा कर देता है। ये जो अब इतनी हाजन बनी हुई है ये इसलिए है कि मतलब कि एक ट्रेजेडी का शिकार हो गई। वीडियोस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। हम सब में, आप जितने लोग खड़े हुए हैं ना, अल्लाह ने आप सबका पर्दा रखा हुआ मेरे आगे। मैं बता दूं मुझे ऐसे लगा, कहां से लीक? लेट्स नॉट डिस्कस। ये बड़े मुझे बड़ा स्टुपिड सा पॉइंट लगता है कि लीक कैसे हुई, कैसे भाई हो गया है काम, तो हम इसको आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था उसमें आपने फैमिली की तरफ से कहीं कुछ नहीं होता, बट मेरी फैमिली को पता था, दैट्स व्हाई आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। हम लोग ना गड़े मुर्दे उखाड़ने में सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमें रेटिंग्स चाहिए होती है। हम उस चीज़ पर, हम लोगों को अच्छा लेसन देने की तरफ आते ही नहीं। मैंने बड़े इंटरव्यूज़ उसके बाद में भी किए। वसीम बदामी की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू डिस्कस वट हैपन्ड आफ्टर दैट। हमें इंसान को वो चीज़ देनी चाहिए जिसमें उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी आए। आपको नहीं लगता कि जैसे आपको नहीं पता था कि जो उड़ान है ये ढील है? बहुत सी खवातीन होंगी जिन्हें नहीं पता होगा कि जो उड़ान है ये ढील है। तो मैं बताऊंगी ना, हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि यहाँ ये वजह बनी कि मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई। वजह मेरे लिए ये बनी, शायद आपको सुन के सुने, वजह मेरे लिए बनी कि मैंने कुछ बोल्ड वीडियोज अपनी रिकॉर्ड की जो समहाउ लीक हो गई, किसी खातून ने कर दी, मेरे साथ ही रहती थी। वही ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। लेकिन चलो, मैं फिर भी बहुत, अल्लाह मुझसे बहुत एहसान करवाता है। एहसान क्या करवाता है, अल्लाह के काम करवाता है। और उस टाइम मेरे पास इंडिया और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हुई आफ्टर दिस ट्रेजेडी। इट वॉज़ लाइक ओपन फॉर मी, आई कुड बी अ सुपरस्टार। आजकल तो लोग गंद और गलाजत को अपने सर पे बिठा रहे होते हैं। अगर आप देखें तो 90% कॉन्टेंट जो होता है, हमारा कॉन्टेंट जो होता है वो इसी तरह का होता है। अल्लाह को ढूंढना, हम अल्लाह को नहीं ढूंढ सकते, आपको पता है। अल्लाह सिलेक्ट्स अस। अल्लाह ने, पता नहीं कोई मेरी अल्लाह को कोई बात अच्छी लगी होगी, और अल्लाह को ये भी पता था कि मैं चूंकि कोई मेरे करेक्टर में कोई बात नहीं है तो मैं क्यों शोबे छोड़ूँ। मेरा कोई ऐसा कोई मेरा मसला ही नहीं है। मैं तो एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, नमाजें तब भी पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। अब नमाजों में ज़रा डिफरेंस आ गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी भी लोग आप पे तनकीद करते हैं कि जो अब इतनी हाजन बनी हुई है, मैं आपको ये करेगा ना, आप जैसे आपका दिल करता है कि ये जो अब इतनी हाजन बनी हुई है ये इसलिए है कि मतलब कि एक ट्रेजेडी का शिकार हो गई। और यानी कि मैं ये लोगों की जो सोशल मीडिया की तनकीद कर रहे हैं कि अब और कुछ नहीं रहा तो फिर। अच्छा हमजा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो ऐसी बातें करें ना, ये 1.001% रह गए। मैं भी कभी कभार देखती हूँ, मेरी पूरी टीम है यहाँ पर, मेरी खवातीन है मेरे साथ, 40-50 बेवा औरतें काम करती हैं। अल्लाह ने उनका रिस्क लगाया जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मोबाइल नहीं देखा था। अब वो पोस्टें कर रही होती है माशाल्लाह, ऑनलाइन चीज़ें बेच रही होती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हर इंसान का अपना ज़र्फ़ होता है। जिसको अल्लाह ताला, इसके दिल में नेकी होगी ना, उसको आप फिल्टर लगा लें। मैं अभी आपको लाल रंग की अनक लगा दूंगी, आपको सब लाल नज़र आएगा। नीली लगा दूंगी, नीला नज़र आएगा। तो जिसकी अनक लाल है उसको लाल नज़र आता है, जिसकी नीली है उसको। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको, जिन्होंने लाल अनक लगाई हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं और जिन्होंने लाल अनक लगाई है, इन्होंने तो ज़िंदगी तंग कर दी होगी। नहीं देखो, ज़िंदगी मेरी कैसे तंग कर सकता है कोई? ये आप देख रहे हो मैं कहाँ पर रहती हूँ। अल्लाह ने मुझे एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा किया। ख्याल है कि आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि एक वक्त ये फेम आपके लिए जानलेवा साबित हो जाता है। मतलब कि बहुत सी खवातीन की वीडियो इस तरह आ जाती हैं, लेकिन जब किसी फेमस पर्सनैलिटी की है उसके लिए तो वो बाले जान बन जाता है। तो अच्छा, हम आप क्या उनको क्या कहेंगे? मैं आपसे बेसिकली उस सारा मामला डिस्कस करने आप का बार बार वीडियोस का जिक्र करें, मुझे बड़ी हंसी आती है। कम आउट ऑफ इट, कम ओवर इट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन से निकली कैसे? बहुत से हम, मैंने अभी आपको बताया, खुदकुशी कर ली। आमिर लियाकत साहब ने, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उस वक्त आमिर भाई को बताऊँ कि मैं तो चलो इतना अल्लाह को और दीन को नहीं जानती थी। वीडियोज इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटी है। हम सब में, आप जितने लोग खड़े हुए हैं ना, अल्लाह ने आप सबका पर्दा रखा हुआ मेरे आगे। मैं बता दूं, अल्लाह अगर चाहे आप सबको मुझसे ज़्यादा बुरा मेरे सामने पेश कर दे, आप दुनिया के सामने पेश कर दे। आपने कहा कि उड़ाने जो हैं वो ढील होती हैं, ये आपको कब पता लगा? ट्रेजेडी के बाद हुआ ये कि
जब ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी कोई बोल्ड वीडियोस वगैरह लीक हो गई जो मैंने अपने लिए बनाई हुई थी, पर्सनल थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक अजीब सी बात लगी कि पीपल वॉन्टेड मी मोर इन इंडस्ट्री। और ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होता है कि ख़वातीन खुद भी ऐसे करती हैं। अच्छा, मैं आपसे इंटरव्यू सुन रहा था और मैं आपसे इस पर बातचीत भी करना चाहूँगा, पहले तो ये बताएं कि आपको पता था कि ये वीडियोस कहाँ से लीक हुई, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि बहुत से नीचे जो नेगेटिव कमेंट्स थे, आजकल मसला ये है कि कोई भी गाँव देहात में 5-10 रुपये का पैकेज लगा के अपनी राय देने बैठ जाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि इन्होंने खुद किया है, शोबिस की हैं, आउट हो रही हैं, तो ज़रा दोबारा। उन्होंने सही कहा कि ख्वातीन जो हैं मीडिया की, वो अपनी बोल्ड इस तरह की वीडियोस खुद करती हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो उस दुनिया में नहीं थी, मैं तो इतनी स्पीड में भाग रही थी दैट आई डिडंट हैव टाइम। मैं तो मोदी के पीछे भाग रही थी कि इसको मैं इस कश्मीर के मामले में ना इसको तंग करूं। तो नहीं, देखो होता है ऐसे, और किसी की भी जो परसेप्शन है, हर इंसान ना आईना होता है। मैं बड़े लोगों से मिली अपनी ज़िंदगी में, करोड़ों लोगों से मिली हूँ जिनसे मैंने बातें सीखी, देखा उन्हें। जब आप किसी इंसान को देखोगे ना, आप में अगर अच्छाई नज़र आएगी तो वो आपकी अपनी अच्छाई है जो रिफ़्लेक्ट हो रही है। बुराई, अब मुझे पहले हर इंसान बुरा लगता था। आप देखो मैंने किस पे टॉन्ट नहीं किया, मैंने मैविश याद पे किया, नीलम मुनीर पे किया, आपने वीना मलिक के बारे में बड़े सख्त अल्फाज कहे। मैंने सबके बारे में कहे जो मैं गलत थी। अब मुझे आप यकीन करें, वीना मलिक को इंक्लूड करके जितनी भी ख़वातीन मुझे अपने से बेहतर लगती हैं, अब बेहतर लगती हैं, उस टाइम बुरी लगती थी। तो अल्लाह ने शैतान को किस चीज़ की सज़ा मिली थी? गरूर की मिली थी ना। गरूर था। आप अगर मेरी वीडियोस पुराने देखे हैं तो उस पर मेरे बारे में कोई बात है तो दिखाओ, मेरे करेक्टर असैसिनेशन कराओ, मैंने कभी सिगरेट पिया हो, मैंने शराब पी हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो दिखाओ। आप अगर कभी देखें तो वो मुझे, वो मेरा गरूर था, मेरा करेक्टर मेरा गरूर था, और वो अल्लाह ने उतार दिया। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा शिकवा ज़रूर हुआ कि मैं ऐसी नहीं थी, काश इस तरह से इस्लाह ना होती किसी और। नहीं, इस्लाह ऐसी होती भी नहीं है, आपने देखा है कभी इस्लाह इस तरह नहीं होती। इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, लेट्स नॉट डिस्कस वीडियोज़ अगैन एंड अगैन, बिकॉज इट लुक्स वेरी स्टूपिड आइडिया कि आप बार बार एक चीज़ को। हम ये कर सकते हैं कि जिंदगी में एक ज़िंदगी में किसी की ट्रेजेडी हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में, अभी आज मुझे फ़ोन आया एक साहब का, वो रो रहे थे। मेरी मैनेजर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा राबी से को दुआ करें, मेरे पास, मैं अरबपति था और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे बच्चे फाके कर रहे हैं, कुछ तीन तीन साल में मैं नीचे आ गई। तो मैंने फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार देखो सबसे पहले बात ये, मेरे पास, मैं अल्लाह के काम करती हूँ। पिछले दिनों एक साहब को पकड़ के लाए, उसने अपने ऊपर पेट्रोल तक छिड़क लिया था, वो स्मेल वमेल सूंघी उनके साथ वालों ने, वो उनको पकड़ के लिया, कर्जे के अंदर हुए हुए थे। और ये भी मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह, ये जो मेरे हाथ के काम है, पेंटिंग ज़्यादा मेरी बिकती हैं, उससे अल्लाह लोगों की मदद कराता है मुझे। मेरी फाउंडेशन का अकाउंट अभी महीना भी नहीं हुआ, ओपन हुआ है, लेकिन उसमें 12-13 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी ने नहीं दिया, लाखों रुपये के अल्लाह मेरे से काम कराता है, और अल्लाह इसी के थ्रू कराता है। जो अल्लाह मुझे पैसे देता है वो अल्लाह के कामों पर लगते हैं। तो वो उसने, वो मरने जा रहा था तो मेरे पास आया, मैंने कहा तुम्हें पता है हम ना शैतान को बहुत बुरा कहते हैं, मैंने शैतान से बड़ा कुछ सीखा है, जैसे भी गरूर की सज़ा सीखी। दूसरा शैतान की क्या है, इब्लीस का क्या मतलब है? अब ये फिर आपका प्रोग्राम जो है, ये मैं नहीं चाह रही कि बहुत कोई उस तरह का वो रमज़ान ट्रांसमिशन टाइप हो जाए, लेकिन मेरे पास बातें ये रह गई हैं।